हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज कश्मीर के अंदर है हमारा लगभग आठवां दिन। अभी जा रहे हैं हम करीम से, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे उनका शूट कर रहे हैं फुल बकरे का, तो वो करने जाएंगे। फ़िलहाल गुलमार्ग में ना बर्फ़ जो है पड़ चुकी है। अभी श्रीनगर में कब पड़ेगी ये पता नहीं। सामने अपनी गाड़ी लगी हुई है, इससे उतारेंगे घूंघट और अभी चलेंगे सीधा करीम्स के पास। अभी बज चुके हैं दोपहर का, एक बज चुका है भाई, उठते ही बहुत लेट हैं, क्या करें। तो अभी करीम्स में पहुंच चुके हैं, गाड़ी काफ़ी वेट करने के बाद ना फाइनली हमने पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। बाहर जो है बाहर हम खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार गाड़ी उठ गई थी हमारी। फिलहाल ये रहा ऊपर करीम्स, अभी चलते हैं सीधा अंदर और फुल बकरे का शूट, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स यहाँ पर भी दिखाएँगे। बाकी अगर फुल वीडियो देखनी है तो हमारे फूड फाउंडर पेज पर मिल जाएगी आपको। करीम रेस्टोरेंट के अंदर और ऐसा कुछ इंटीरियर है यहाँ पर। अभी जाएंगे इनके किचन के अंदर और शूट करेंगे वीडियो। उसके अंदर पाजी लगे हैं खाना खाने, मैं तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आया। और यहाँ पे आ गई है जी इनकी दाल, साथ में सैलड, साथ में मिंट की चटनी और साथ में ये खमीरी रोटी। ओए होए मज़ा आता है भाई। अभी करीम्स रेस्टोरेंट के किचन के अंदर है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि बकरा बनने वाला है, तो ये रहा जी इनका फुल बकरा जो यहाँ पे रेडी हो रहा है। अभी पानी के अंदर से ना इसको बाहर निकाल लिया है, अभी थोड़ा टाइम इसको अच्छे से यहाँ पे रेस्ट दिलाएंगे, फिर इसको फुल डन करेंगे। और यहाँ पे चेक करो, बकरे की मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है भाई। लगभग 14-15 किलो का बकरा है। चाचा कितने किलो का है ये? 15 किलो का है सर। 15 किलो का है, तो अभी ना इसके ऊपर मैरिनेशन कर दी है चाचा ने। अभी ये जाएगा तंदूर के अंदर और तब आपको फूड फाउंडर पेज पर फुल वीडियो हमारी मिल जाएगी। और ऐसे शूट होता है, सैंडी ने पकड़ी हुई है लाइट और सैंडी अपने ब्लॉग बना रहा है, पाजी अपने शूट कर रहे हैं और मेरा हो चुका है कम्प्लीट। और अभी वेट करते हैं, फिर बना के आपको दिखाएंगे कि कैसा बन के रेडी हुआ है। सो गाइज, अभी शूट हमारा बकरे का कंप्लीट हो चुका है और अभी लक्ष्य कहीं पे शूट कर रहा है, तो सीधा लक्ष्य के पास जाएंगे गाड़ी से। और फिलहाल कितना टाइम हो गया, अभी 4 बज चुके हैं, 6 बजे हमने फिर से आना है भाई। कल का बकरा पक रहा है और आज तक अभी भी पेंडिंग है, अभी 6 बजे बन के रेडी होगा। कल 8 बजे से बनना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी टाइम लग गया बकरे को बनने में। फिलहाल अभी लक्ष्य हमारी वेट कर रहा है, गाड़ी में बैठे के सीधा जाएंगे उसके पास और बाकी आपको दिखाते रहेंगे कश्मीर में क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी हुई है सामने। यहाँ पे ना खजा का चौक जो है भरा हुआ है, पाजी पी रहे हैं यहाँ पे चाय, सैंडी पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। सो अभी हमने क्रीम्स पे मंगवा ली है बिरयानी, पाजी मुर्गा खा रहे हैं, सैंडी खा रहा है, फिश, और लक्ष्य जो है पनीर खा रहा है, और मैंने भी पनीर ही मंगवाया है। सो अभी खाना खाने के बाद क्रीम्स का आ चुका है ड्राई फ्रूट वाला कावा, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, अभी क्रीम्स रेस्टोरेंट के अंदर जो बकरे का शूट कर रहे थे फाइनली वो एक दिन के बाद कंप्लीट हो चुका है। और अभी शूट कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर चलेंगे वापस होटल में और सुबह फिर दिखाएँगे क्या क्या करेंगे। और यहाँ पे तुम मेरा व्लॉग के शूट कर रहे हैं, तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि व्लॉग कैसे शूट होते हैं। ऐसे व्लॉग शूट होता है। और यहाँ पे लक्ष्य ने कुछ भी शूट नहीं किया करा आज, और मैंने ड्राई फ्रूट की वीडियो की है, एक ही ड्राई फ्रूट की वीडियो की है, वो भी 5 घंटे लगा के, वो इसलिए क्योंकि बंदे की स्पीच डिलीवरी बड़ी स्लो थी। हाँ, हमको सिखाया अच्छे से, तो हमारा काम है भाई, हमारा काम है पैसे लेंगे तो अच्छे से वीडियो बनाते हैं, अच्छे से तो मत गंदी वीडियो बनाते हैं, बनाते हैं तो हमारा काम ही नहीं है वो। सो भाई व्लॉग जो है यहीं पे आज फिनिश करेंगे। वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।